जय हिंद दोस्तों, आज जो है मेरे पास काफी सारा डायफ्राम है जो कि सारा जो है बिल्कुल खराब है। क्या है? बिल्कुल खराब है। और दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब क्या सीखने को मिलेगा बता देता हूँ। देखो, आप लोग का अगर डायफ्राम खराब होता है तो जाहिर सी बात है आप नया लगा देते हो, है ना। और डायफ्राम का दाम तो ज्यादा पड़ता नहीं है, 100-120 पड़ता है, पर भाई 120 रुपया भी कम नहीं है या 100 रुपया भी कम नहीं है, ठीक है। अगर आपका 2-3 मिनट मेहनत या 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट मेहनत करने के बाद अगर 120 रुपया या 100 रुपया बच जाता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ नहीं दिक्कत है। दोस्तों आपके पास अगर कोई भी डायफ्राम खराब होता है तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो। बनना नहीं बनना कोई मैटर नहीं करता है, पर एक बार ट्राई करने से क्या जाता है कि नहीं। और मेरे पास दोस्तों जो भी डायफ्राम है हम किसी एक को एक दो को लेके बना के दिखाते हैं कि ये बन सकता है कि नहीं, कितना हद तक बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम कोई भी जैसे एक ही डायफ्राम ले लेते हैं, ठीक है। और ये खराब है। क्या है? ये खराब है, दिखाता हूँ। देखिए ये जो काम नहीं कर रहा है, इसमें जो लाइट नहीं जल रहा है, ये देखिए लाइट जल रहा है बिल्कुल, ये लाइट टेस्टर सही है, पर यहाँ से जब चेक करते तो ये लाइट नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है ना, है ना। तो ये खराब है, आप फेंक दोगे। पर दोस्तों एक बार आप ये कोशिश करना है, देखो हम जो देखे हैं कि यहाँ से एक बार आप जो तार आता है, एक तार आके इसमें लगता है, यहाँ से ज्वाइंट होके इस पे आता है, ठीक है, और एक तार यहाँ से आके ज्वाइंट होके इस पे आता है ना। तो एक बार यहाँ से जो है ब्लेड से छील के जो एक बार आप चेक करके देखना कि कंटिन्यूटी बताता है कि नहीं बताता है। दोस्तों हम बहुत ऐसा जो है डायफ्राम मैंने ठीक किया है जो कि यहाँ से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और आपको विथ प्रैक्टिकल आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि ठीक होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अभी तो ये जो क्या है ये खराब है। अब देखिए यहाँ से जो है आपको हम छील के दिखाते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो है दोस्तों, इतना डायफ्राम में बहुत सारा डायफ्राम ऐसा है जो बन जाएगा। अब ये बनता है कि नहीं बनता है ये हम नहीं कह सकते हैं। तो पहले जो है तार को बिल्कुल देखो, इसके तार के ऊपर जो है पेंट चढ़ाया हो रहता है, ठीक है। तो जहाँ तार जो है निकला है, ये तार निकल के इधर आया है, ठीक है, इसको छीलना है। पहले क्या करना है? छीलना है। तो चलिए हम छील देते हैं ताकि इसका कलर जो है ना कलर हट जाएगा, और फिर चेक करके देखेंगे कि बताता है कि नहीं बताता है। देखो दोस्तों अगर एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर छीलने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो कि इसका तार भी छिला जाएगा तो क्या करना, देखो ये जो टेप है ना, देखो ये टेप है, टेप को क्या करना, यहां से जो है आप यहां से लगा देना, ठीक है, टेप लगा देना और बिल्कुल यहां से उसके बाद अच्छा से छील देना, तब अच्छा छिला जाएगा, आपका वायर भी नहीं छिलाएगा, होगा ना। चलिए छील दिए हैं, अब जो है हम चेक करते हैं कि ये जो है कंटिन्यूटी बताता है क्या नहीं बताता है, है ना। देखिए तो ये जो है कंटिन्यूटी बता दिया, ये देखिए ये कंटिन्यूटी बता दिया ना। तो देखिए अब ये चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तो बता रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ बताता है कि नहीं देखते हैं। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ से लेके इसका तार यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सही है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक गड़बड़ है ना। तो इधर से क्या करते हैं, यहाँ से सोल्ड करते हैं और अच्छा से इस साइड सोल्डिंग कर देते हैं तार निकाल के, ठीक है, तो आई थिंक ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम मेरे पास जो है ये वायर है जिसे जंपर वायर जिसे कहते हैं, और इसको जो डबल करके है ना, डबल करके जो है तार को आपको सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप ये जरूर करना, 100 रुपया भी कम नहीं होता है कि नहीं। तो चलिए हम जो है सोल्डिंग आयरन से जो है इधर सोल्डिंग करके और उधर से तार निकाल देते हैं। पहले जो है हम इस साइड सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और यहां से जो है तार घुसा के जो है तो देखो दोस्तों ये जो है मैंने सोल्डिंग कर दिया है, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये जो है जल गया बिल्कुल, ये देखिए है ना, ये जल गया, और दोस्तों ये ठीक भी हो गया है ना। अब देखो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इतना सारा जो भी डायफ्राम है हम ये नहीं बोलते कि सारा ठीक हो जाएगा, है ना, सारा ठीक नहीं होगा, पर कुछ तो ठीक होगा ना। एक बार आप कोशिश करने में क्या जाता है, 5 मिनट लगे आपका ठीक भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।